अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। कितने भी लाज लोग क्यों ना हो, मैं वही टॉकिंग करती हूँ जो मुझे करनी है। अंडरस्टैंडिंग हुई? और आप लोग इतना कुछ हमें टेल रहे हो, अरे एक बार मिरर में जाके खुद का माउथ तो देख लो। आप सबको बस यही लुकिंग आ रहा है कि लक्ष्मी ने हम सबसे पारो की बात छुपाई, बस। किसी को ये लुकिंग नहीं आ रहा है कि लक्ष्मी ने कितनी मुसीबतों को पिकिंग करके पारो को पाला पोसा है, वो भी अब तक। कमाल है, यही तो इतनी बड़ी गलती हुई है लक्ष्मी की, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी अकेले पालने की। अगर उसने हमें, हम सबको सच बता दिया होता तो। कैसे, वो कैसे बताती आप सबको सच? और अगर सच बताती तो आप उन पे विश्वास करते? नहीं, कोई विश्वास नहीं करता। इस परिवार में शुरू से किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया, किया है तो सिर्फ मुझे कटघरे में खड़ा किया, इम्तिहान लिए है मेरे, और दिया है तो सिर्फ धोखा। शुरुआत से इस परिवार में सबने मुझे सिर्फ धोखा ही दिया है। और आज अगर मैंने अपनी बेटी की भलाई के लिए, उसके मासूम प्यार के लिए, उसके मासूम जज्बातों के लिए आप लोगों से एक साथ छुपाया, तो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है? हाँ, मैंने छुपाया कि पारो आपकी पोती है। हाँ, मैंने छुपाया कि पारो तुम्हारी बेटी है। मैंने छुपाया कि पारो इस परिवार का अंश है। मैंने छुपाया क्योंकि अब मैं आप लोगों पर विश्वास नहीं करती। अब मुझे शक होता है कि जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है, वही वो सब कुछ मेरी बेटी, मेरी पारो के साथ होगा। इनफ, क्या कर दिया ऐसा हमने तुम्हारे साथ? क्या कर दिया हमने? जो कुछ भी किया ना, अच्छा ही किया। तुम्हें हर एक वो चीज जो तुम्हारे पास जिंदगी में थी नहीं। अय्याशी से रही हो इस घर में, महारानी की तरह ठाट बाट के साथ रही हो। पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, रहने के लिए छत दी, गाड़ियां दी, खाना दिया, सब कुछ अच्छा दिया, सब कुछ दिया, हर एक चीज दी जो हर एक गरीब इंसान का सपना होता है जिंदगी में। लेकिन तुम्हें तो वो सब कुछ मिला जिंदगी में? जिंदगी ही तो नहीं मिली ना, जिंदगी ही नहीं मिली मुझे। सम्मान, इज्जत, प्यार, ये सब कुछ नहीं मिला मुझे। इस घर ने, इस परिवार ने मेरे आत्मसम्मान तक को तोड़ दिया। ये सारी अय्याशियां, ये सारे बड़े बड़े घर, बंगले, गाड़ियां, ये सब कुछ एक तरफ है और मेरा आत्मसम्मान एक तरफ। ईमानदारी, रिश्ते, विश्वास, इन सबसे बढ़कर नहीं है ये सब कुछ मेरे लिए। और मैंने इस घर को वो सब कुछ दिया। मैंने इस घर में रिश्ते बनाए हैं, जोड़े हैं, दिल से प्यार दिया है, सम्मान दिया है सबको, दिल से। पूरा समर्पण दिल से। और बदले में मैंने कुछ भी लिया? ये जो तुम महारानी हो जैसे रहने की बात कर रही हो, इतने ठाट बाट की बात कर रही हो, मैंने कुछ भी लिया बदले में? नहीं ना। क्योंकि जो लोग सच्चे होते, जिनके पास अपने और अपना परिवार होता है ना, वो लोग कभी गरीब नहीं होते। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। आप लोग भी प्लीज, सर ये मजाक नहीं है। वो बच्ची, अरे मैम मैम प्लीज प्लीज, आप दूर हटिए, दूर हटिए प्लीज, नहीं आप भाग जाइए प्लीज, आप भाग जाइए। देखिए अरे मजाक नहीं है, ये नाजुक सिचुएशन है इतनी, और आप लोग, अरे एक सेकंड, क्या ऐसी क्यों बात कर रहे हो आप मेरी फैमिली से? हाँ, उनके परेशान चेहरे नजर नहीं आ रहे आपको? 15 मिनट से मेरी बेटी अंदर फंसी हुई है गड्ढे में, उसको निकालने के बजाय आप मेरी फैमिली के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। अरे सर, आपकी बेटी को निकालना इतना आसान नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे पूरी कोशिश कर रहे हैं, नजर तो नहीं आ रही आपकी कोशिश अभी तक मुझे, और कोशिश कीजिए ना, अभी तक निकली मेरी बेटी, नहीं निकल पाई ना, देखिए कितने परेशान है सब लोग। शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, वो कह रहे हैं ना कि वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम समझ रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी है अंदर। मुझे पता है आप लोगों को अपना काम आता है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी देर से अंदर है, हम सबको उसकी बहुत चिंता हो रही है। प्लीज
मैं समझ रही हूँ आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम भी गलत नहीं कह रहे ना, वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है, वो 15 मिनट से अंदर है, पता नहीं कैसी होगी वो। आपको पता है ये 15 मिनट ऐसा लग रहा है जैसे जैसे बीत ही नहीं रहा है, पूरी जिंदगी बीत गई ऐसा लग रहा है। प्लीज प्लीज हम बस उसके पास रहना चाहते हैं, हम आपको बिल्कुल भी आपके काम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस प्लीज हमें यहाँ रहने दीजिए उसके पास प्लीज। लेकिन मैडम प्लीज 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 हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सच में हम बिल्कुल आपको जो अपना काम करना है आप कीजिए, हमें बस याद रहने दीजिए प्लीज। बच्चे के माँ बाप यहाँ रह सकते हैं, बाकी लोग प्लीज आप दूर चले जाइए प्लीज। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम बड़ी मॉम हैं, हम यहीं रुकेंगे। मैम प्लीज आप समझने की कोशिश करिए सिचुएशन। रहने दीजिए प्लीज, ये बार उसे बहुत प्यार करती है, इन दोनों का रिश्ता एकदम अलग है, कभी प्यार कभी झगड़ा, लेकिन पारो भी इनसे बहुत प्यार करती है, प्लीज आप इन्हें प्लीज प्लीज इन्हें कहने दीजिए प्लीज प्लीज। ठीक है आप यहाँ रुक सकते हैं, बाकी आप सब लोग प्लीज दूर चले जाइए प्लीज प्लीज समझिए प्लीज कुछ सिचुएशन को समझिए प्लीज, आप चले जाइए प्लीज। सर 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 आप प्लीज प्लीज सर जा। अपडेट क्या है? पारो 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 बेटा आवाज आ रही है। पारो फिक्र मत करो, डैड आपको कुछ नहीं होने देंगे। पारो 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 नहीं जा रही है उस तक, वो सुन क्यों नहीं पा रही है कितना टाइम लगेगा, आप लोग इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मैम हम ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं, आप देखिए ना उस तरफ, आइए आइए दिखाइए जल्दी आइए आइए प्लीज प्लीज, हमारी टीम ऑलरेडी काम कर चुकी है मैम, चालू कर चुकी है, प्लीज आइए देखिए। यहाँ हम गड्ढा खोद रहे हैं, ये हमारा दूसरा गड्ढा खोदना चालू कर दिया मैम, और हम ऑलरेडी आधे तक पहुंच चुके हैं। एक बार हम उस गहराई तक पहुंच जाएं जहां बच्ची है, फिर वहां से हम एक सुरंग बनाएंगे जिससे हम बच्ची तक पहुंच सकें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जी क्या आंटी, आप भवानी आंटी को लेकर अंदर जाइए आराम कीजिए, हम यहाँ संभाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। हाँ जान चल अंदर, पता नहीं क्या क्या तोड़ा फोड़ा है। बैठी क्यों? बैठी ना, बैठिए। अरे क्या कर रही हो? मांगकर इसकी जरूरत नहीं। थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। आओ पता कितना जल रहा है, ऐसे ऐसे जला जला के थैंक यू बोलती हो तुम। वैसे भी लॉर्ड को मैंने नहीं बोला। दिलदार सर ने बुलाया ना? हाँ बताया तो उसने। हाँ मैंने सुना, तो आप उन्हें थैंक यू बोल दीजिए। आओ सॉरी चल रहा है, हर बारी मैं क्यों कहूँ तुमको?
भी कुछ नहीं बोल सकते। I mean, मैं नौकर हूं क्या तुम्हारा? पाऊं मैं ना तुम्हारे पास? चल के जाओ मेरे घर, लीगली तो तुम्हारा भी घर है, जाओ जिससे जो बोलना बोलो, थैंक यू, गेट लॉस्ट, हाय, हेलो, बाय, जो बोलना बोलो, मैं नहीं बोलने वाला किसी को कुछ। क्या विराट सच में मुझे भुला के आगे बढ़ चुका है इस अमृता के साथ? दी, जीजू ऊपर ही आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी के सेक्रेटरी ने जो उनकी प्यारी बहू के खिलाफ एक्शन लिया है वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। कोई प्यारी व्यारी बहू नहीं है वो हमारी। दिलदार जी को आने दो, मैं हैंडल कर लूंगी। ओके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ए आमो, ये झाड़ू नहीं मिल रहा, पता नहीं इन औरतों ने कहाँ रख दिया। नहीं कहीं होगा आई। यहाँ है झाड़ू। है? अब झाड़ू मुझे दो। झाड़ू के साथ क्या करते? आप लोगों को नहीं देने वाला मैं झाड़ू। झाड़ू आपकी बेटी के हाथ में आ गया ना तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। याद है पिछली बार कैसे मारा था इससे मुझे झाड़ू से? मैं चांस वांस नहीं ले सकता आंटी, झाड़ू मैं खुद मारूंगा। नहीं, करने देना, बहुत सारा काम है ना, जिसको जो समझ में आएगा वो कर लेगा। क्या? नहीं नहीं विराट, ऐसे मत करो, दो मुझे। अरे क्यों, पहले भी तो मारा था आंटी, भूल गई आप? वो किचन में, अब टेरेस पे। वो बात अलग थी, अब तुम हमारे जमाई हो। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, पहले आप लोग गारंटी लीजिए आपकी ये जो गुस्सेल बेटी है झाड़ू से मुझे मारेगी नहीं। गारंटी? देखा, आप लोग गारंटी नहीं ले सकते ना, तो मैं भी झाड़ू नहीं दे सकता, मैं सारा काम खुद करूंगा। कहीं इसने गुस्से में ईशिका का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया तो मेरी तो बैंड बच जाएगी ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये मत करो, तुम कोई और काम कर लो ना। क्या करूं? तू विराट, इधर आ, तू आ मेरे साथ, ये मदद कर मुझे इधर सोफा उठाने में। चल आ, चल मेरी मदद कर। जे के आंटी की मदद करूंगा मैं। जा, ये ले, चल उठा इसको। हां उठा। टेबल रख इधर, ये लैंप उठा। टेबल बाहर होगी, देख फेंक दी होगी उन लोगों ने। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। नॉट बैड आरवी, बना लिया है तुमने? मैंने? चलो मान लेते हैं। अरे तुमने ही तो बनाया है। हाँ मैंने ही बनाया है, लेकिन तुम्हारी हेल्प से, सो थैंक्स टू यू। अच्छा अच्छा, चलो मैं अपना बना लेती हूँ, तो कुमकुम।
भी मैं आता हूँ। आपसे यही जल छिड़क होगी, और जगह भी जल छिड़को ना। हाँ तो चल साथ चलना, हेल्प कर दे चाची की, चला जा। If you'll insist, तुम लोग आओ। हाँ चल। क्या बात है मोनिशा? क्या तुम कुछ परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? अब तुम्हें क्या बताऊं मैं कि क्यों टेंशन में हूँ? बता थोड़ी सकती हूँ कि मैंने किया क्या है? सांप सांप ले आई हूँ, पर अब डर लग रहा है, वो सांप किसी को भी डस सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी आफत आ जा रही है। निशा क्या हुआ, क्या बात है? नहीं कुछ तो हुआ है। कुछ खास नहीं आ रही, बस वो कल एक्चुअली वो बाकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना, तो बस वही सोच रही थी, वही माइंड में चल रहा है, कुछ नहीं। अच्छा, अरे छोड़ो ना यार, रिलैक्स हो जाएगा सब। आरवी बेटा। जी पंडित जी, आप यहाँ आइए। जी गॉड, अभी नील पेन कब चिप हुआ, ये भी ठीक कराना पड़ेगा, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उर्वी बेटा जी, ये काला धागा आरवी के दाहिने हाथ में बांध दीजिए। उनकी रक्षा के लिए, और पैर में भी बांध दीजिए। जी, अब मेरे हाथ में कुमकुम है, मैं इसे साफ करके आती हूँ। मैं बांध देती हूँ। मेरा मतलब है अगर आप कहे तो मैं बांध देती हूँ। नहीं नहीं, एक और पूर्वी ही कर सकती है। क्योंकि पूर्वी आरवी की पत्नी है। और पूर्वी के कुंडली के ग्रह नक्षत्र आरवी के ग्रह नक्षत्रों को सहयोग करते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। मैडम नहीं काटा आपको, ठीक हो ना आप? तुम्हारे ये सांप कितना बुरा है, एक काम ढंग से नहीं किया, जिसको काटा तो उसको तो काटा नहीं, मेरे आरवी को काके बहुत बुरा है। देखिए मैडम, मैंने तो पहले ही कहा था ये सांप है, आपके कहने से नहीं काटेगा किसी को। बोल लिया और ले लिया अपना सांप, अब जाओ यहाँ से। मैडम मेरे पैसे? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से प्लीज। मैडम मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पहले मेरे पैसे दीजिए आप। तुमने देख लिया ना मैं कहाँ रहती हूँ, इसी घर में रहती हूँ, कहीं नहीं जा रहे। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, फिलहाल मेरे पास कैश नहीं है, कोई आ जाएगा तुम्हें देख लेगा, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। यार ये डॉक्टर पता नहीं कहाँ रह गए, भाभी पूरी नीली पड़ रही है। डोंट वरी, मैंने बात की थी फोन पे, आने वाले आई थी, ये गाड़ी की आवाज उन्हीं की थी। डॉक्टर थैंक गॉड अब आ गए, मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज चलिए। अरवी तू ठीक है? आंखें खोली, मेरे बच्चे ने आंखें खोली। अरवी पानी चाहिए? नहीं उठेगा तो? कहा था ना मैंने, पूर्वी आरवी का कवच है। हर मुसीबत से पूर्वी आरवी को बचा लेगी, सही मायने में सावित्री है पूर्वी। सही में सावित्री है पूर्वी सावित्री, पंडित जी सही कह रहे हैं। और मैं, मुझे लगता है पूर्वी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, बोला डॉक्टर को, बोला जल्दी से। फोन किया था बीजी मैंने, आता ही होगा डॉक्टर। अरे कैसे सही होगी,
लाडो आरवी को सांप ने काटा और ये सही कह रहे हैं बाबूजी आप, सांप का काटना छोटी बात नहीं है। जिस तरह पूर्वी ने आरवी के बदन से जहर निकाला वो भी छोटी बात नहीं है। मोनिशा कहाँ है? मोहन को मैंने बाहर जाते देखा था, शायद डॉक्टर को देखने गई है। आइए डॉक्टर। डॉक्टर साहब कहाँ रह गए थे आप? अच्छा वो आप आ गए, देखिए ट्रैफिक में फंस गया था। डॉक्टर आरवी को सांप ने काट लिया और पूर्वी की भी हालत ठीक नहीं है। एक्चुअली दिमाग नहीं चला और हमने ध्यान भी नहीं दिया कौन सा सांप था। नो प्रॉब्लम, मुझे वैसे मोनिशा ने बता दिया था कि कौन सा सांप ने काटा है। डोंट वरी, मेरे पास एंटीवेनम इंजेक्शन है, मैं वो दे देता हूँ। वो एक्चुअली जब वो सांप बाहर जा रहा था तो मैंने देख लिया था, थोड़ी नॉलेज है तो ब्रीड पता चल गई बस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। शौर्य, क्या है? इतना चीखती चिल्लाती क्यों आ रही हो तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम बताओ कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? I mean, seriously, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने नीचे गिर सकते हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी फैमिली को जाके ये सब कहने की राजवीर अच्छा लड़का नहीं है, उसके साथ मेरा रिश्ता तोड़ देना चाहिए? How dare you, तुम होते कौन है इसे बोलने वाले? शौर्या, this is my life. तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अगर तुम ऐसे मेरी फैमिली को ब्रेन वॉश करते रहोगे ना तो उन पे इसका बुरा असर पड़ेगा और जो मैं होने नहीं दूंगी। और तुम्हें क्या मिलता है ये सब कुछ करके? तुम अपनी लाइफ जियो ना, अपने तरीके से रहो ना। हे मिस झुमकीवाली, सबसे पहली बात तो तुम चीखना चिल्लाना बंद करो। ओके, यहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं, घर है मेरा, मेरी फैमिली रहती है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और तुम्हें पता है, पहले तो मैं फिर भी सोचता था कि शायद तुम अच्छी हो, पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम बिल्कुल राजवीर जैसी ही हो। और ये क्या तरीका है घर के बाहर आके चीखना चिल्लाना? देखो तुम ना तमीज से बात। देखो, मैं यहाँ तुम्हारा कोई लेक्चर सुनने के लिए नहीं आई, मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आई कि मेरे मैटर्स से तुम दूर रहो। तुम दूर रहो, ये तो अंजाम अच्छा नहीं है। अब मुझे तुमको याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी कि तुम मेरे मैटर्स में कितना इंटरफेयर करते हो। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तुम्हारे मैटर्स में, तुम इंटरफेयर करते हो और तुम इंटरफेयर करते हो इसीलिए मैं इंटरफेयर करती हूँ। मैं तुम्हें बस पलट के जवाब देती हूँ, दैट्स इट। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ? नहीं, मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आई हूँ। And I'm warning you for the last time, कि अगर तुमने मेरे रिश्तों पे वार किया या उसे तोड़ फोड़ करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी कहो, वार्निंग कहो, तुम्हें जो कहना है तुम वो कहो। बस मैं तुम्हें इतना कहने के लिए आई थी कि तुम मुझसे, मेरी फैमिली से, मेरे रिश्तों से, मेरे और राजवीर के रिश्ते से दूर रहो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कोई जगह है मेरी लाइफ में? ओ प्लीज, तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते हो तो ये सब सोचना भी बंद कर दो। तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी लाइफ में, समझ गए? और अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए या बोलने के लिए नहीं आऊंगी। मैं आऊंगी और करके दिखाऊंगी। क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी? जब करूंगी तब देख लेना। देखा सैंडी, इसका यही कलर, यही इरिटेशन, यही रिएक्शन देखने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। आई फील सो गुड राइट नाउ। सोच अगर राजवीर को इस सब के बारे में फर्स्ट हैंड पता लगे तो कितना मजा आएगा। सोच ब्रदर। ओके, रिलैक्स, हमें जाना चाहिए। सबसे पहले राजवीर को ये खबर देंगे और फिर पार्टी करेंगे। पक्का 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 मेरा भाई। चल 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 चलते। Z5
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अब वो क्या है, देखो गलत तो राजवीर ने किया है, पर तुम इस बात को मानोगी नहीं, तुम उसकी माँ जैसी हो ना। अब तुम माँ जैसी हो, मैं माँ हूँ, मैं भी शौर्य की माँ हूँ, तो शौर्य जब कुछ गलती करता है ना, तो मैं भी नहीं मान पाती कि शौर्य ने गलती की। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि शौर्य गलतियां करता है, ऐसे ही राजवीर से भी गलती हुई है, तो तुम ना मेरी एडवाइस मानो, चुपचाप अपने घर चली जाओ, ठीक है? क्या हुआ, इन सबको ऐसे क्यों देख रही हो? इनमें से ना कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा, कुछ कहेगा भी नहीं, कैसे कह सकता है राजवीर से गलती हुई है? और पुलिस को उसका काम करने दो ना, हाँ? आप लोग नहीं कह सकते ना कुछ, राइट? कैसे कहेंगे, इतना बड़ा कांड जो किया है राजवीर ने, और अगर कोई इसके बीच में कुछ भी बोलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो सीधा सीधा ये डिक्लेयर कर रहा है कि उसे करण, शौर्य और लूथरा इंडस्ट्रीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निधि, राखी मॉम, प्लीज प्लीज बात को समझिए। देखिए, मैं जानती हूँ आप ना बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपनी अच्छाई की वजह से ना इस घर को, हम लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद कीजिए। बहुत नुकसान पहुंचा लिया, दूसरों के लिए अच्छा करते करते अपनों को रुलाना बंद कीजिए, और जो सही है ना वो होने दीजिए। राजवीर ने गलती की है, राजवीर को उसकी सजा मिलेगी, पुलिस को उसका काम करने दीजिए, ठीक है? और तुम भी सारी बात समझ गई ना, तो अब चुपचाप अपने घर चली जाओ। मैं समझ गई, इनके बिना कुछ कहे मैं सब समझ गई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। कैसे ढूंढेंगे आप उसे, हाँ? यूं चिल्लाकर, डरा धमकाकर, अरे कोई सच नहीं बोलेगा, डर जाएंगे सब। देखिए, आप रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। अगर आप में से किसी को भी मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बताओ, प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज। मैम आई एम सॉरी, बट हमें कोई आइडिया नहीं है। हाँ मैडम, हम सच बोल रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं पता। आई एम सो सॉरी मैम। आपको? अरे मुझे भी कुछ नहीं पता मैडम जी, मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। नहीं था आपका बेटा बस में। अरे रुकिए, ये क्या किया तुमने, हाँ? उनको जाने क्यों दिया जानवी? मुझे पूरा यकीन है उनमें से किसी एक की लापरवाही से कियान गुब हुआ है। तुमने उनको तो क्या करती मैं, हाँ? कॉलर पकड़कर मारती उसे, डराती धमकाती। सर आप प्लीज रहने दीजिए, मुझे शांति से चुपचाप सोचने दीजिए, मेरा बच्चा कहाँ गया हो सकता है। स्कूल में तो तुमने देख लिया ना, हाँ। भाभी नहीं है कियान, तो एक मिनट, स्कूल में एक जगह रह गई है जहाँ वही हो सकता है। अरे जानवी कहाँ? कियान इस वक्त बस में गहरी नींद में होगा प्रतीक, मैंने तो उसे अडल्ट वाली कफ सिरप की पूरी बॉटल पिला दी है। क्या? ये तो बहुत गलत बात है प्रिंस। मेरे पापा डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया था अगर बच्चे बड़े वाली कफ सिरप पी लेते हैं तो उनको चक्कर आने लगते हैं और ठीक से दिखता।
होता भी नहीं है और पता है हलूसी हलूसी नेशन होता है। हेलुसिनेशन? ये क्या होता है बे? पापा कहते हैं हलूसिनेशन के अंदर अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं जो कि असली नहीं होती। तू टेंशन मत ले रे, इस म्युनिसिपैलिटी वाले को कोई हेलोसी वेलोसी वाला स्टेशन नहीं होगा। इतना सिरप पीने के बाद वो बस सोते ही जाएगा। जान, जान, मदद करो जान। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो हम साफ साफ कह देते हैं और आखिरी बार तुम्हें कह रहे हैं निकल जाओ वरना सिक्योरिटी से तुम्हें धक्के मार के निकलना है। क्या चल रहा है यहाँ पर? सुरेश बेटा देखो आवारा क्यों गुम हो क्यों? वो होटल में पत्रकार हमें बता रहे हो था कि हम जानवी को गुस्से में कह रहे थे कि जब तुम्हारा बच्चा जिन जावेगा तब तुझे पता लगेगा। टूट गई है मेरी बीवी तुम्हारी वजह से। इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीनेगा। हाथ जोड़ते हैं बेटा, तुम्हें पता है ज्ञान के बारे में तो बता दो। देखिए माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानवी को जो कुछ भी कहा था गुस्से में आकर कहा था। कियान के खो जाने में मेरा कोई लेना देना नहीं है और बेहतर ये होगा कि कियान को ढूंढने में आप जानवी की मदद करें। बस सुरेश बेटा आपको कोई जरूरत नहीं है इन छोटे लोगों को सफाई देने की। अरे भूलिए मत हम बुंदेलाज हैं, कोई सड़क चलते चोर चक्के नहीं है जो हर कोई आके हम पे कोई इल्जाम लगाएगा और हम उसे सफाइयां देते रहेंगे। बेटा अभी उज्वी को आपकी जरूरत है, आप उसे संभालिए। और तुम चाहती हो या फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हां मेरे बेटे के साथ पूछताछ करने की? मैडम और तो और सुनिए उसे झूठा बोला। ब्लडी नौकर, हाउ डेयर यू। दादी मैडम हम तुम सच कह रहे हैं, हमने ना प्रिंस पापा को अपने कानों से सुना था, उन्होंने कियान का नाम लिया था। मैडम हम सर उज्वला जूस पी लो। मैडम मैडम हम जो कह रहे हैं ना मैडम हम एकदम सच कह रहे हैं, हमने अपने कानों से सुना था प्रिंस पापा ने कियान का नाम लिया था। मैडम एक बार आप राइना मैडम को बोल दीजिए ना, वो आपकी बात मान लेंगी। मैडम प्लीज मैडम एक बार बोल दीजिए ना प्रिंस पापा को ना कियान के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर है। मैडम बस खड़ी हो और बंद कर अपनी ये बकवास। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे पहले तो ये बुढ़िया हमारे सुयश पे इल्जाम लगा रहे हैं और अब ये दो कौड़ी की आया हमारे उस मासूम बच्चे प्रिंस को इस सब में घसीट रहे हैं। अरे पूरी दुनिया में तुम लोगों को हमारा बुंदेला मेंशन नहीं मिला ये सब तमाशे और ड्रामे करने के लिए। हाँ रे हाँ मैडम जी, हमरा नन्ना किया लापता हो गया तो आपको बकवास लागत है, ड्रामा लागत है। अरे हम गरीब जरूर है पर नौटंकी बाज ना है। हमरा दुख हमरी पीड़ा आपको बकवास लागत है, जरा मानी चाहिए आपको। आपके इस महल को निहारने का शौक ना है हमें, हम तो सिर्फ जानकारी लेने आए थे कि कियान के बारे में कछु पता है आप लोगों को तो। हाँ।
हमारा उस कियान के खो जाने से कुछ भी लेना देना नहीं है, ओके? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना? हाँ? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, निकालो इन्हें यहाँ से अभी के अभी। ठहर जा मोड़े, हाथ नहीं लगाना। हम शोभाकरण भी जाना थे और वार करना भी। चल रेवा, या कछु ना मिलेगा, पर याद रखना, अगर हमरे की आन को कुछ भी हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें जो चाहिए ना, हमें नहीं लगता कि तुम हमें अपनी मर्जी से दोगे, वो हमें ढूंढ के निकालना होगा। सच जी, क्या सच? तुम्हारा सच। दोनों कपड़ों में से तो बिल्कुल सेम स्मेल आ रही है, उसी क्रीम की। लड़की नागे दादी, दादी क्या हुआ? दादी क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? सवाल ये नहीं है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए कि तुम यहाँ इस घर में क्या करने आई हो। जी मैं समझी नहीं। समझ तो हमें भी पहले कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन लगता है कि अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। आप क्या कह रही हैं? हमें नहीं पता चल रहा। आपको कुछ चीज चाहिए, हम लेकर आए। हमें जो चाहिए ना, हमें नहीं लगता कि तुम हमें अपनी मर्जी से दोगे, वो हमें ढूंढ के निकालना होगा। सच जी, क्या सच? तुम्हारा सच। मैं कुछ समझी नहीं। ये Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये साफ की केचुली, Thank you.
क्या हुआ शक्ति? चाचू, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद होनी अनहोनी में फर्क करना बंद कर देंगे आप। काल्पनिक और वास्तविक में उसमें भी फर्क करना बंद कर देंगे। और बात क्या बेटा, आपको क्या लगता है कि ये मोहिनी कौन है? गांव की एक लड़की जिसका एक्सीडेंट हमारी गाड़ी के साथ हो गया और वो किसी तरह इस घर में चली है। नहीं, इसका सच ये नहीं है। इसका सच कुछ और है। इसका सच दादी के एक्सीडेंट के साथ जुड़ा हुआ। आपको लग रहा है कि हमारी वजह से दादी का एक्सीडेंट हुआ है? तुम्हें पता है ना शक्ति, तुम जो ये इल्जाम इस लड़की पर लगा रही हो एक बहुत बड़ा इल्जाम है। चाचू, हम जो इल्जाम लगा रहे हैं ना बहुत सोच समझ कर लगा रहे हैं। वो इल्जाम लगा रहे हैं जो हमें दादी ने बताया था। माँ ने क्या बताया था? माँ ने, तुम किस बारे में बात कर रही हो शक्ति बेटा? यही कि इस घर में एक सांप घुस आया है। ये सांप की केचुली। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर ये लीजिए इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। इनकी मौत गर्दन और सर पे चोट के कारण हुई है और मौत का समय था 11 बजे का। इट्स अ सडन डेथ, तो एक्सीडेंट भी तभी हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। 11 PM, 11 बजे। तो मैं हॉस्पिटल का फॉर्म फिलअप कर रही थी। इसका मतलब दादी का एक्सीडेंट मेरे हाथों नहीं किसी और के हाथों हुआ है। दादी को किसी और ने मारा है। जी आप कुछ कह रहे थे? मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक सेकंड गुरु सर, बात। पापा चलिए ना। पापा मार दिया दादी को, मार दिया। यार क्या किया तूने? क्यों? आपने मुझे देखा मारते हुए? देखा आपने मुझे मारते हुए? मैंने चाकू लेके ऐसे मार दिया उनको? जब आपको पूरी बात पता नहीं होती ना, मत बोला करो। नहीं मारा मैंने दादी को, मैंने नहीं मारा। वो मेरी दादी थी, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता था जितना आप करती थी या कोई और करता था। गुस्सा होना एक बात है, किसी को मार देना अलग बात है।
मार नहीं सकता हूं मैं, ना मैंने मारा है। युग, तू क्या कर सकता है और क्या नहीं ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। प्लीज मेरी बात सुनो, आपकी कसम मैंने मैंने अपने हाथों से दादी को नहीं मारा। मेरी बात का यकीन तो करो, मैं दादी को क्यों मारूंगा, मैं उनसे प्यार नहीं करता था, करता था ना, तो फिर मैं उनको क्यों मारूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं गुस्से में था, मैंने सिर्फ उनको डराया था और वो डर कर रोड पर भाग रही थी, मैं उनके पीछे जा रहा था, एक गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी, उसमें मेरी गलती नहीं है ना मोहम, एक्सीडेंट था, मैंने नहीं मारा उनको, मैंने सच में नहीं मारा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर गए, मोबाइल रखो, जल्दी दूध पी लो, जब तक मैं दादी को ऊपर देख के आती हूँ। फिर पता क्या हुआ, वही एग्जैक्टली वही जो मैंने प्लान किया था, सोचा था। गुनगुन मेरे पास आई गिड़गिड़ाते हुए, शायद हम के लिए। मैंने पता क्या किया, उसको तीली लगा दी कि जाओ, उनको तो गाड़ी चलानी आती, गाड़ी लो, अपनी बहन को डालो, ले जाओ हॉस्पिटल, और वो बेवकूफ ले भी गई। लेकिन उसको क्या पता था कि मैंने रास्ते में उसके लिए फिल्म बना रखी है। तैयारी हो गई? हो गई है। काम कर लोगे ना? आप तो नहीं कापेंगे, तुम्हारे काम करना है, पैसा मिलेगा बहुत। फोन पर फोकस मत रखना, काम पर फोकस रखना, वो लोग आ रहे हैं, काम पूरा होना चाहिए। इतनी धुंध क्यों है रास्ते में? ये क्या था? मर गई, मार डाला। अगर तुम इसे हॉस्पिटल ले गई, तुम पर पुलिस केस हो जाएगा, तुम्हें जेल में डाल देंगे। मेरी बात मानो, मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। सिद्धार्थ बाप बताऊं आपको, तो उसको भी यही लगता है कि उसने आपको मारा है। आपको याद है दादू, बचपन में जब मैं स्कूल में गेम में हार जाता था तो वापस आता था ना, रो रहा होता था और आप मुझे कहते थे कोई बात नहीं, भगवान जो करता है ना बढ़िया करता है, अच्छे के लिए करता है, इसमें भी कोई अच्छाई होगी। आप मर गई और आपके मरने का झूठा इल्जाम लग गया उस चुहिया पे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ।
बिल्कुल फ्री। तुम दोनों अलग अलग क्यों सो रहे थे? मनु मैं तुम्हें सब बताऊंगी, इस वक्त तुम यहाँ से जाओ, अगर सुभान आ गया ना बाहर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम जाओ जल्दी जाओ। हाँ बेशरम, क्या है ये, क्या है ये, ऐसा बेहुदा लिबास पहनकर तू इस वक्त इबादत और सुभान के कमरे में क्या करने गई थी? बोल बोल। छोड़िए नानी अम्मी प्लीज। क्या छोड़िए, तुझे कितनी बार समझाया मैंने कि इबादत और सुभान की जिंदगी से दूर रहना समझ में नहीं आता? अपने जहन में जमा के रख ले, समझी तू? मेरी नजर हर वक्त तुझ पर है मन्नत, और अगर हॉलिडे से भी तूने मेरे दोनों बच्चों के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? आप मुझे गलत समझ रही है नानी अम्मी। गलत क्या समझना है तुझे, अरे तू तो है ही गलत। और एक बात और सुन ले, मुझे आस्तीन से मुंह साफ करने वाला बच्चा समझने की कोशिश मत करना, समझी तू? इस घर में तू सबको बेवकूफ बना सकती है मगर मुझे नहीं, समझी? अब खड़ी क्या है, निकल यहां से। मैंने कहा जाए उसे, सुनो नहीं। इस बेगैरत लड़की से मेरे सुभान और इबादत की गृहस्थी को बचाना, खुदा जाने इस शैतान लड़की के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम, नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो। वैसे इस सलामी के बदले दिल तो चाहता है कि अपनी बची खुची उम्र भी तुम पर निसार कर दूं। खुदा इस खूबसूरत जोड़े को बुरी नजर से बचाए। इबू बेहद खूबसूरत लग रही है तू, और मेरे सुभान का तो क्या कहने, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम भी, दोनों के दोनों खुश हो। शुक्रिया नानी अम्मी। दुआ, अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए, हमेशा खुश रहो। अल्लाह इतनी खुशियां दे कि रखने के लिए जगह और संभालने के लिए वक्त कम पड़ जाए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। देख रही है दुआ, रसोई की रस्म इबादत की है मगर सारा खाना बनाया मन्नत ने। मेरा जो डर है वो सच साबित हो रहा है दुआ, मुझे मन्नत के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। शादी इबादत की हुई है, तुम्हारी नहीं। क्या जरूरत थी खाना बनाने की? अम्मी मैंने तो बस सोचा कि वो बहुत थक गई होगी इसीलिए मैंने। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इबादत का ख्याल रखने की। अगर तुम्हें इबादत का इतना ही ख्याल था तो तुमने सुभान की पसंद का खाना क्यों बनाया? तुम हमें बेवकूफ समझती हो? एक बात मेरी कान खोल कर सुनो, सुभान की पसंद
और नापसंद का ख्याल रखने के लिए सुभान की बीवी है, ये जिम्मेदारी उसे निभाने दो। मियां बीवी के बीच में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो मन्नत, वरना लोग तुम्हें गिरी हुई नजरों से देखेंगे। दो अम्मी रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। मन्नत को तो खाना बनाना पसंद भी नहीं है, फिर भी इसने एफर्ट किया, शाबाशी दीजिए इसे, डांटिए मत बेचारी को। सुभान, और मेरी पसंद का खाना, वाह, दाल मखनी, जीरा राइस, मटर पनीर, गुलाब जामुन, आई एम इम्प्रेस्ड मन्नत। लेकिन सुभान, ये रसम इबादत को अदा करनी थी। रसम रिवाज क्या फर्क पड़ता दुआ में, और वैसे भी ये खाना वाना बनाना तो नौकरों की जिम्मेदारी है। मेरी बेगम, मेरी बेगम तो शहजादी है। सुभान, ये तुम क्या कर रहे हो। अरे सबको बता रहा हूँ कि तुम मेरे लिए क्या है अहमियत रखती। वैसे भी सबके सामने मोहब्बत का इजहार करना नॉर्मल हो गया है। दुआ में, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इबादत मेरी वाइफ है, इस घर की नौकरानी नहीं। वो किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी। लेकिन इबादत इस घर की बहू है सुभान, और ये सब करना उसका फर्ज है। फर्ज? फर्ज तो तब होता है ना अम्मी, जब बहू खुद निभाना चाहे। कोई फर्ज के नाम पे उसे मजबूर नहीं कर सकता। अब तुम मुझे बताओगे कि फर्ज और मजबूरी में क्या फर्क है। मैं किसी को कुछ नहीं समझाना चाहता अम्मी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी बेगम किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी और ना ही किसी के झूठे बर्तन धोएगी। उन चीजों के लिए घर में नौकर हैं। जैसा चलता आया है वैसा चलता रहने दीजिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।